क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया S+4 फ्लोर्स को ग्रीन सिग्नल? तो चलिए बताते हैं इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस और अपडेट्स। हाय, माय नेम इज प्रियंका फरसवाल फ्रॉम डेल्टी स्मार्ट्स। और इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस बारे में ये वीडियो होने वाली है। जी हाँ, स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर की जो पॉलिसी है उसके बारे में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने 23 फरवरी 2023 को स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर बिल्डिंग्स के नए प्लान अप्रूवल को सस्पेंड कर दिया था। ये डिसीजन लिया गया था लाइसेंस्ड कॉलोनीज के रेसिडेंट्स के डिमांड पे, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक अमेनिटीज पे बर्डन की वजह से फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्शन को बैन करने की मांग की थी। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसीज आ चुकी हैं और अब हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टिल्ट प्लस फोर कंस्ट्रक्शन को फिर से अलाउ कर दिया है, लेकिन अपने कुछ कंडीशंस के साथ। लाइसेंस्ड कॉलोनीज और सेक्टर्स में रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन फिर से अलाउ होगा अगर लेआउट प्लान में फोर ड्वेलिंग यूनिट्स पर प्लॉट अप्रूव्ड है। हरियाणा गवर्नमेंट की कंडीशंस आखिर क्या है, आइए जानते हैं। जहां प्लॉट का लेआउट सिर्फ 3 ड्वेलिंग यूनिट्स पर प्लॉट के लिए अप्रूव्ड है, वहां फोर्थ फ्लोर का कंस्ट्रक्शन तभी अलाउ होगा अगर प्लॉट रोड पर हो या 10 मीटर या उससे वाइड हो। इन केसेस में प्लॉट ओनर्स को दो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहला, प्लॉट ओनर्स को अपने एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर्स के साथ म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट बनाना होगा, एक्सेप्ट वो जो ऑलरेडी फोर्थ फ्लोर के लिए अप्रूवल ले चुके हैं। अगर एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर्स कंसेंट देने से मना कर देते हैं तो वो फ्यूचर में अपने प्लॉट्स पे अप्रूवल्स लेने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा, अगर नेबरहुड कंसेंट नॉर्म पूरा नहीं होता तो प्लॉट ओनर को हर फ्लोर पे एडजॉइनिंग प्लॉट से 1.8 मीटर का सेटबैक मेंटेन करना होगा। तो चलिए अब कुछ एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जहां बिल्डिंग प्लान्स पहले से अप्रूव्ड है वह कंस्ट्रक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन और कॉमन वॉल पर लॉ ट्रांसफर परमिट नहीं होगा जब तक एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर से म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता। 10 मीटर से कम विड्थ और 250 स्क्वायर मीटर से कम एरिया वाले प्लॉट्स पर बेसमेंट कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं होगा। चलिए अब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इशू होंगी। इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है तो ACS TCP ऑफिस को एम्पावर्ड किया गया है कि वो क्लेरिफिकेशन इशू कर सके। बाकी रिकमेंडेशन अभी भी कंसिडरेशन में है और इन पे अभी बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हरियाणा गवर्नमेंट की नई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।